नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल शर्मा है और मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं आदरणीय गुरुजी को पिछले साल फरवरी 2023 में पहली बार मिला था, तब उनको पेट की थैले में कुछ परेशानी थी जिसका बाद में ऑपरेशन से पता चला था कि उसमें कैंसर हुआ। वो ऑपरेशन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में डॉक्टर संदीप गुलेरिया ने किया था। उसके बाद अस्पताल में ऑपरेशन के बाद वो काफी दिन तक स्वस्थ भी रहे थे, फिर हम लोग उनको बीच बीच में देखते रहते थे और जैसे कुछ टेस्ट वगैरह भी करते रहते। उनकी बायोप्सी का एक टेस्ट जो स्पेशल टेस्ट है जिसको हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जांच के लिए भी भेजा था, उससे हमें ये पता चला था कि एक स्पेशल नई दवाई जो है टारगेटेड ट्रीटमेंट, वो उनमें जब जरूरत पड़ेगी तो काम की जा सकती है। कुछ महीनों के बाद, कुछ अंतराल के बाद गुरुजी को कुछ तकलीफ थोड़ी बहुत शुरू होने लगी, थोड़ा वेट लॉस करीब होने लगा, कमजोरी आने करने लगी, तब हम सब ने डिसाइड करके ये डिसाइड किया कि उनको टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है। वो थेरेपी उनको 3 या 4 मरतबा दी गई थी पर बहुत ज्यादा उसकी वजह से थोड़ा सा पेन में आराम हुआ था, तो फिर हम लोग उनको देखते करते रहे, फॉलोअप करते रहते और जो भी सिम्टम्स थे उसको कंट्रोल करते रहते। उसके बाद 14 जुलाई 2024 को गुरुजी को थोड़ा फीवर वगैरह हुआ था, पेट दर्द वगैरह हुआ, कमर में दर्द काफी था, तो उनको मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था। जब हमने जांच वगैरह करी तो हमने पाया कि उनको चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन भी था, चेस्ट में हल्का सा पानी भी था, थोड़ा पेट में भी पानी था। उसके लिए रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ, थोड़ा कार्डिक पेन वगैरह भी था तो हार्ट के स्पेशलिस्ट वगैरह को देख के सबके साथ करके एंटीबायोटिक वगैरह ट्रीटमेंट शुरू कराया गया था। उसके बाद उनको श्वास में तकलीफ, थोड़े एक दो दिन थोड़े से ठीक रहे थे, फिर श्वास में तकलीफ बढ़ने करने लगी, तो उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। आईसीयू में शिफ्ट करके इनको पहले 2 दिन तक वो ईस्ट ब्लॉक की आईसीयू में रखा, उसके बाद उनको वेस्ट ब्लॉक की आईसीयू में 20 जुलाई 2024 को भर्ती कराया गया था। वहां पे उनको एक दो बार और हमने देखा तो उनके ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थोड़ा सा क्लॉटिंग फैक्टर्स डिटेन्स थे, उसकी वजह से हम जो मेडिकल भाषा में बोलते हैं DIC थोड़ा होने करने लगा था, थोड़ा सेप्सिस होने लगा था जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं, काफी सेप्सिस होने करने लगा था और एक दो बार उनको माइनर से मॉडरेट हार्ट के भी अटैक हुए थे। सब कोशिशें जारी थी, सभी विशेषज्ञों ने, आईसीयू के डिपार्टमेंट ने, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट ने और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काफी मदद की, हम लोग भी काफी सेवा करते रहे, उनके साथ वाले भी काफी सेवा करते रहे, कोशिश करते रहे। इतना करने के उपरांत भी, सब कुछ करने के बाद भी उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ और 1 अगस्त 2024 को उन्होंने संसार छोड़ दिया। जनाब नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप गुलेरिया है। मैं इससे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी था। 2011 में मैंने VRS लेके इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट सर्जन की जॉब कर रहा हूँ। मैं आदरणीय संत बहादुर चंद वकील साहब जी से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। 2010 में जब मैंने इनको पहली बार देखा था तो इनको छाती में कुछ दिक्कतें आई थी और इस दिक्कत के लिए मैंने इनको डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिखाया था और वहां इनके छाती की बीमारी के लिए और आंख की बीमारी के लिए इनका इलाज वहीं करवाया था। उसके बाद 3 साल गुरुजी ठीक रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, पर लगभग 2020 को ये मेरे अंडर फिर दाखिल हुए जब इनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत कम हो गया और आश्रम से अपोलो हॉस्पिटल इमरजेंसी में लाए गए। उस टाइम इनका पूरा इलाज हमने 10 या 12 दिन अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और कई जांचें करेगी जिसमें पता लगा कि इनके पेशाब की थैली में भी एक गांठ है और इनके लिवर में बीमारी काफी फैली हुई है और वहां भी गांठे हैं। जब गुरुजी की स्थिति थोड़ी संभली और वो ठीक हुए तो वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में फिर चले गए, जहां पे उनका ऑपरेशन डॉक्टर अमलेश सेठ ने पेशाब की थैली की जो गांठ थी वो निकाली, उसमें अनफॉर्चुनेटली पेशाब की थैली का कैंसर निकला। उस टाइम डॉक्टर विनीत आहूजा ने उनके लिवर को संभाला और डॉक्टर अतुल शर्मा जो वहां पे हेड ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी थे उन्होंने इनके लिए इनको देखा और इनकी सारी दवाइयों का देखा कि सब इलाज ठीक ठाक चल रहा हो। लगभग 2022
22 अप्रैल में गुरुजी मेरे अंडर फिर दाखिल हुए थे और इस टाइम पे डिसाइड किया गया डॉक्टर विनीत आहूजा जो उस टाइम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में थे उनसे बात करके कि पीत की थैली को निकाल के देखा जाए कि इसमें क्या बीमारी है। ये मेरे अंडर अपोलो हॉस्पिटल में फिर दाखिल हुए, मैंने पीत की थैली उस टाइम पे इनका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफल रहा पर अनफॉर्चुनेटली पीत की थैली में ही कैंसर निकला। तो गुरुजी को इस टाइम पे दो प्रकार के कैंसर थे, एक पेशाब की थैली का कैंसर था और एक पीत की थैली का कैंसर था जो काफी फैला हुआ था। इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि गुरुजी के लिए बेस्ट ऑप्शन टारगेटेड थेरेपी ही रहेगी और क्योंकि डॉक्टर अतुल शर्मा इनको बहुत सालों से देख रहे थे और वो अब मैक्स हॉस्पिटल में थे तो गुरुजी मैक्स हॉस्पिटल में टारगेटेड थेरेपी इनकी शुरू हुई। ये टारगेटेड थेरेपी काफी देर तक चलती रही और लगभग 2000 साल के फरवरी महीने में दाखिल हुए थे गुरुजी, 14 जुलाई 2024 में गुरुजी मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर अतुल शर्मा के अंडर दाखिल हुए, उनको फिर टारगेटेड थेरेपी दी गई। अनफॉर्चुनेटली इस बारी गुरुजी की हालत काफी बिगड़ती गई और उस टाइम पे हम जो सारे डॉक्टर इनके साथ एसोसिएटेड थे, डॉक्टर विनोद गर्ग, डॉक्टर विनीत आहूजा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर अमलेश सेठ और हम रेगुलरली डॉक्टर अतुल शर्मा से और डॉक्टर जया जो इनकी छाती देख रही थी उनसे अपडेट लेते रहे। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे गुरुजी के अंदर दो कैंसर फैले हुए थे, लिवर की बीमारी, लिवर भी काफी कमजोर हो चुका था और अल्टीमेटली 1/8/2024 को करीब 1:35 बजे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका इलाज जितना हो सकता था वो हुआ, जो बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल थी हिंदुस्तान में या मैं तो कहूंगा कहीं भी वो इनको दी गई, पर हमारी जितनी भी कोशिश हुई अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती और गुरुजी 1 अगस्त 2024 को हमको छोड़ के चले गए।